नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की शुरू में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंटरनेट डेटा को जल्दी खत्म होने से बचा सकते हो, यानी आप अपने इंटरनेट डेटा को कैसे सेव कर सकते हो, कैसे आप अपने फोन में पूरा दिन इंटरनेट को यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोगों की ये शिकायत थी कि उनका जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी से खत्म हो जाता है, वो अपने फोन में पूरा दिन इंटरनेट को यूज नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको आप यूज करके दोस्तों आप अपने इंटरनेट डेटा को सेव कर सकते हो, जल्दी खत्म होने से बचा सकते हो। आप पूरा दिन अपने फोन में इंटरनेट को चलाओगे दोस्तों, आपका जो इंटरनेट डेटा है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है, ठीक है। आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर एक सेटिंग मिलेगा, मैनेज एप्स एंड डिवाइस। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अपडेटिंग एप्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां से आपको इसको कैंसल ऑल कर देना है, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोगों के प्ले स्टोर में अपडेट पेंडिंग होता है, ठीक है। काफी सारे एप्लीकेशन के अपडेट आते रहते हैं, वो पेंडिंग हो जाते हैं, वो बारी बारी से अपडेट होते रहते हैं, मोबाइल डेटा जल्दी से खत्म हो जाता है। तो सिंपली आपको इसको कैंसल ऑल कर देना है, ठीक है। आपको इस तरह कैंसल ऑल कर देना है। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक करना है, लास्ट वाला ऑप्शन टिक कर देना है, डोंट ऑटो अपडेट एप्स, ठीक है। यानी जब आप चाहोगे तभी आपके फोन के एप्लीकेशन अपडेट होंगे, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग ओवर एनी नेटवर्क कर देते हैं, जब भी किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट आता है दोस्तों वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है, जिससे हमारे फोन की जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाती है, इंटरनेट डेटा ऑटोमेटिक कट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपली डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर टिक कर देना है। आपको ये दोनों सेटिंग प्ले स्टोर में कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको और भी सेटिंग करने हैं। आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। आपको जाना है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्टोरेज एंड डेटा पर क्लिक करना है। आपको यहां पर मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको सिंपली व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा पर क्लिक करना है। आपको इन सबको अनटिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे फालतू के वीडियोज़ आते रहते हैं, फोटोज़ आते हैं, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं, जिससे हमारा जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है, जल्दी से कंज्यूम हो जाता है। तो सिंपली आपको इन सबको अनटिक करके रखना है। जब भी आपके पास कोई भी फोटो आए, वीडियो आए, आप उसको मैनुअल डाउनलोड कर लेना, इससे आपका जो इंटरनेट डेटा है वो सेव होगा। अब आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होगा जिसका नाम है फोटोज़ एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सिंपली आपको इसको ओपन करना है, प्रोफाइल पर क्लिक करना है। आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन होगा बैकअप एंड सिंक का, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहां से इस सेटिंग को ऑफ करके रखना है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में ये जो सेटिंग है ये ऑन होता है, जिससे क्या होता है कि उनके जो फोटोज़ होते हैं वो गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन में अपलोड होते रहते हैं, जिससे उनका जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है और उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर जो हमारा इंटरनेट डेटा है वो जल्दी क्यों ख़त्म हो रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ से इस सेटिंग को ऑफ करके हमेशा रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना है। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले डेटा यूजर्स इन नोटिफिकेशन ड्रायर, आपको यहाँ से इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। ये जो सेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जितना भी आप इंटरनेट डेटा यूज करोगे आपको यहाँ पर शो होता रहेगा और दोस्तों यहाँ पर आपको बताता रहेगा कि कितना आपने इंटरनेट डेटा को यूज़ किया है, कितना इंटरनेट डेटा आपका बचा हुआ है। इस तरह गाइस आप इसको हमेशा चेक कर सकते हो। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। दोस्तों अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो डाउनलोड का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसको आपको हमेशा डिसेबल करके रखना है, ठीक है।
क्योंकि जब भी आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, आपका जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको डिसेबल करके रखना है। जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तभी दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर अपडेट मैनुअल होगा। ठीक है, इसके बाद आपको बैक आना है। अब आपको उन एप्लीकेशन का मोबाइल डेटा डिसेबल करना है जिनको आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं चलाते हो। क्योंकि दोस्तों हमारे फ़ोन में काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होते हैं, हमारे इंटरनेट डेटा को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो एप्लीकेशन है इसको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, आपको सिंपली इस तरह लॉन्ग टैप करना है। इसके बाद आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजेज डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से डिसेबल मोबाइल डेटा कर देना है, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, जिससे ये जो एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में रन नहीं होगा, हमारे इंटरनेट डेटा को कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह गाइस आपको उन एप्लीकेशन का मोबाइल डेटा डिसेबल कर देना है जिनको आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं चलाते हो, वो एप्लीकेशन कभी भी बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे और दोस्तों आपके इंटरनेट डेटा को ख़त्म नहीं करेंगे। आपको इस तरह इन सेटिंग्स को करना है। ठीक है, आपको एक और काम करना है, जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में यूज करते हो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, यूट्यूब हो गया, दोस्तों आपको इन एप्लीकेशन का डेटा सेवर ऑन करना है। इन सभी एप्लीकेशन में एक सेटिंग होता है जिसका नाम है डेटा सेवर। दोस्तों जब आप डेटा सेवर को ऑन कर दोगे तो आपके फ़ोन में जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो इंटरनेट डेटा को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, ज़्यादा कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इन सभी एप्लीकेशन में डेटा सेवर को ऑन करना है, इससे आपका जो इंटरनेट डेटा है वो सेव होगा, आप लॉन्ग टाइम तक अपने फ़ोन में इंटरनेट को यूज कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।